हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इन क्लास 5 वी आर गोइंग टू सॉल्व द इंग्लिश वर्कशीट। टुडे आवर टॉपिक इज प्रीपोजिशंस एट, ऑन, इन। तो सबसे पहले हम इनका यूज़ देखते हैं। एट, ऑन और इन का यूज़ कहाँ पर कर सकते हैं? एट का यूज़ हम एग्जैक्ट टाइम के लिए करते हैं। वी यूज़ एट टू एक्सप्रेस एन एग्जैक्ट टाइम, फॉर एग्जाम्पल एट 5 o'clock, एट midnight, एट 8 PM, एट डिनर। ऑन, ऑन का यूज़ हम डेज, डेट या किसी पर्टिकुलर डेज के पहले करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन 30th July, ऑन माई बर्थडे, ऑन क्रिसमस। इन, इन का यूज़ हम मंथ्स, ईयर या सीजन से पहले करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन 2020, इन द मॉर्निंग, इन सेप्टेम्बर, इन विंटर्स। तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिलिंग द प्रीपोजिशंस इन, ऑन और एट इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। फर्स्ट इज आई वॉज बॉर्न इन 2010। माई इंग्लिश टेस्ट इज ऑन वेडनेसडे। टीचर्स डे इज ऑन 5th September। द मूवी विल स्टार्ट एट 12:15 PM। वी विल गो टू द विलेज इन डिसम्बर। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। माई समर हॉलीडेज स्टार्ट इन जून। माई स्कूल स्टार्ट्स एट 7:45 AM। My mother gave me a book on my birthday. The Christmas is celebrated on 25th December. We wear woolen clothes in winters. Write the following in the correct column. First is Independence Day. Independence Day से पहले हम use करेंगे on, तो इसलिए हम on के नीचे लिखेंगे Independence Day. मार्च, मार्च से पहले हम यूज़ करते हैं इन। 3 PM, 3 PM से पहले हम यूज़ करते हैं एट। समर, समर से पहले हम यूज़ करेंगे इन। आफ्टरनून, आफ्टरनून से पहले हम यूज़ करेंगे इन। 6th April, 6th April से पहले हम यूज़ करेंगे ऑन। डिनर एट 2020 इन। 12 noon एट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द कन्वर्सेशन बिटवीन द टू फ्रेंड्स बाय एडिंग इन, ऑन और एट इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। फर्स्ट इज रमन, हेलो अमन, माय बर्थडे इज ऑन 27th September। I want to invite you for my birthday party. Aman, wow, that is going to be fun. I will surely come. Raman, the party will start in the evening at 6 PM. I have invited all my friends on my birthday. Aman, what is the day on your birthday? Raman, please check the calendar for that. You will be very happy to know that my birthday is on Sunday this year. So this worksheet is complete here. Do not forget to like, share the video and also subscribe the channel. Thank you.